सो कल हमने एक बार ये एप्लीकेशन बनाई थी, अब हम करने के वाले इस एप्लीकेशन के लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस सो दैट वेन एवर यू गोइंग टू ऐड अ सर्वर, लेट्स से मैं यहाँ पर अगर एक सर्वर ऐड करूँ, सो अभी ये जो सर्वर है यहाँ पर ऐड होता है, बट अगर मैं इस एप्लीकेशन को भी रिफ्रेश कर दूँ तो ये चला जाएगा. ओके, सो वट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर इट, और इसके डेटाबेस के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ अ फायर बेस. तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक बार फायर बेस का. तो यहाँ पर आपको बस अपने जीमेल से एक बार लॉग इन करना पड़ेगा और हम यहाँ पर तीन प्रोजेक्ट बना सकते हैं फ्रीली. सो यहाँ पर एक बार मैं साइन इन कर देता हूँ, इसके बाद हम चलते हैं अपने कंसोल पे. सो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू साइन इन. सो लेट्स अभी मैंने जीमेल से साइन इन किया है. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस गो टू कंसोल बटन एंड हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सैम्पल डेटाबेस फॉर मी. यहाँ पर सो लेट्स से यहाँ पर मैं एक अभी नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एड प्रोजेक्ट बटन और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का मैं नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ. लेट्स से प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से मैंने ले दिया डेटाबेस एंगुलर. ओके, मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया. लेट्स से मैं अपने सबसे पास का रीजन ले लेता हूँ, दैट इज अवर इंडिया, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. सो डेटाबेस एंगुलर के नाम से भी मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया और इसी प्रोजेक्ट में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ डेटाबेस. सो लेट्स से मेरा प्रोजेक्ट बन गया. नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेटाबेस सेक्शन और यहाँ पर एक मैं सैंपल अपना डेटाबेस बना रहा हूँ. यहाँ पर जो हमको एक सेटिंग करनी पड़ती है वो हमको करनी पड़ती है अपने रूल्स की. सो लेट्स से वी हैव टू क्लिक ऑन दिस रूल्स टैब और इस रूल्स टैब में अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ सब कुछ ट्रू. सो यहाँ पर ये मेरे रूल्स का टैब है. यहाँ पर आपको बस ये रीड भी ट्रू करना होता है और राइट भी ट्रू करना होता है और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ट्रू ट्रू लिख दोगे आपको एक पब्लिश बटन आएगा, उस पब्लिश पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर ट्रू लिखने के बाद और इधर राइट पे ट्रू लिखने के बाद. जैसे ही आप इसमें एडिटिंग करना स्टार्ट करोगे ऊपर एक टैब आ जाएगा पब्लिश का एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पब्लिश. इसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डेटा और इस डेटा में आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, यू हैव टू कॉपी दैट यूआरएल. तो मैं एक बार वो यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ. सो लेट्स से यहाँ से ये एक बार मैं यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ, इसको अभी हम यूज़ करेंगे इस यूआरएल को. सो आई एम कॉपिंग जस्ट दिस यूआरएल. सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सर्विस. तो सबसे पहले इस वाले प्रोजेक्ट में कल हमने कोई सर्विस नहीं बनाई थी, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सर्विस. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सर्विस आप यहाँ पर एंगुलर जी से भी कर सकते हो और यू कैन क्रिएट अ सर्विस बाय योर ओन. सो लेट्स से मैंने एक बार ऐप पे क्लिक किया और एक मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई और यहाँ पर एक मैं सर्विस बना रहा हूँ, सर्वर डॉट सर्विस डॉट टी एस के नाम से. ओके, सो आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग दिस. ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी एक बार सर्वर बन गया, सर्वर डॉट सर्विस डॉट टी एस. ओके, हियर द फर्स्ट पैकेज वी हैव टू इम्पोर्ट इज अ इंजेक्टेबल पैकेज. सो यहाँ पर मैं उसको एक बार इम्पोर्ट करा लेता हूँ, इम्पोर्ट इंजेक्टेबल. मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टली फाइल बनाई है और ये जो हम पैकेज इसका है वो है आपका एट द एंगुलर कोर. तो यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ एट द एंगुलर कोर. अब यहाँ पर मेरे को एक और पैकेज की रिक्वायरमेंट है, वो पैकेज है एच टी टी पी पैकेज. तो इसकी मैं पैकेज एक बार इम्पोर्ट करा लेता हूँ, इम्पोर्ट एच टी टी पी from @angularhttp. तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे क्लास. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई एक्सपोर्ट क्लास और लेट्स से इस क्लास का मैं नाम देता हूँ सर्वर सर्विस.
ओके, इस वाली क्लास का हम यूज करेंगे सर्वर सर्विस के नाम से. नाउ विद इन दिस क्लास द फर्स्ट स्टेप इज टू आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर एज वेल. इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर का भी यूज करूंगा, कंस्ट्रक्टर. अब यहां पर इस HTTP का एक मैं रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूं, सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ प्राइवेट HTTP, और ये जो मेरा रेफर करेगा ये करेगा मेरे HTTP की तरफ. अब इस क्लास के अंदर हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड, और उस मेथड का लेट से मैंने नेम रख दिया स्टोर सर्वर. अब यहां पर अगर आपको याद हो हमने app डॉट कॉम्पोनेंट डॉट ts में एक वेरिएबल बनाया था सर्वर के नाम से जो एक्चुअली हमारे सर्वर्स को स्टोर कर रहा था. तो यहां पर एक मैंने वेरिएबल बनाया था सर्वर्स के नाम से, तो इसी वेरिएबल का मैं यहां पर एक बार यूज करूंगा. ये जो वेरिएबल आपने बनाया था ये बनाया था आपने एरे टाइप का. तो यहाँ पर है ना आपको किन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एनी भी लिखा हुआ मिलेगा. एनी मीन्स कि इसका कोई सा भी टाइप रह सकता है. नाउ हियर ये जो स्टोर सर्वर है ये सर्वर मैं भी स्टोर कराऊंगा अपने फायरबेस के डेटाबेस में. सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ पोस्ट रिक्वेस्ट. तो अभी तक हमने गेट रिक्वेस्ट करी थी, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पोस्ट रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट एच टी टी पी एंड हेयर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पोस्ट रिक्वेस्ट. और इस पोस्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स में वो यू आर एल स्पेसिफाई करना होगा. सो ये यू आर एल मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इधर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ. अब इस यू आर एल में जो हम डेटा सेंड करेंगे वो डेटा हम सेंड करेंगे सर्वर्स. ठीक है, इसको एक बार मैं बंद कर लेता हूँ. एंड हेयर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टेटमेंट रिटर्न, एक बार रिटर्न भी लगा देते हैं. ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट मेथड है. अब ये जो मैंने सर्विस बनाई है इसकी मैं डिक्लेरेशन कर देता हूँ अपने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में. तो सबसे पहले एक बार मैं इसको सेव ऑल कर देता हूँ जितने भी अभी हमने चेंजेस करें. And from here I'm going to make a use of my app.module.ts. ठीक है, और यहाँ पर इस सर्विस को मैं एक बार करा देता हूँ इम्पोर्ट. इम्पोर्ट सर्वर सर्विस. फ्रॉम सर्वर डॉट सर्विस. और यहां पर आप प्रोवाइडर में एक बार ऐड कर देना सर्वर सर्विस. सो यहां पर ये मैं चेंजेस एक बार करता हूं सारे सेव ऑल. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल, और यहां पर भी मैं ये पैकेज इंपोर्ट कराता हूं अपने सर्वर सर्विस वाला. So here I'm going to make a use of an import. This is the name of my class server service from server dot service. और यहाँ पर ये जो आपने सर्वर का एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पर मैं एक बार यूज कर रहा हूँ एक कंस्ट्रक्टर का. तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एक बार कंस्ट्रक्टर का. ठीक है, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ प्राइवेट टाइप का, और इस वेरिएबल का लेट से मैं नाम लेता हूँ सर्वर सर्विस विच इज गोइंग टू रेफर माई सर्वर सर्विस. अभी इसका मैं यूज करूंगा सर्वर सर्विस का, ये जो मैंने अभी एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया. सो इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और आगे कंटिन्यू करते हैं. सो लेट से ये जो मेरी ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल में एच टी एम एल फाइल है, यहाँ पर मैं एक बटन बनाने वाला हूँ और उस बटन का लेट से मैं नेम रखूंगा सेव सर्वर. सो ये एच आर से पहले इधर एक मैं बटन बना लेता हूँ, तो यही मैं एक बार कर लेता हूँ यहाँ पर लेट्स से बटन.
तो बटन मैं थोड़ा एक बार नीचे बना रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ब्रेक टैग बी आर बी आर, और हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बटन, लेट्स से इसका मैं क्लास देता हूँ बी टी एन प्राइमरी, ऑन दिस बटन आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ क्लिक इवेंट, तो यहाँ पर मैं एक क्लिक इवेंट भी लगा रहा हूँ, और इस फंक्शन लेट से मेथड का नाम मैं यहाँ पर रखूँगा ऑन सेव, दिस इज द नेम ऑफ माई मैथड विच आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट ऑन अ क्लिकिंग ऑफ दिस बटन। तो यहाँ पर लेट्स से मैं बटन का एक नेम स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और लेट्स से बटन का मैं नेम देता हूँ सेव सर्वर, तो ये कंटेंट मेरे बटन के ऊपर लिखा आ जाएगा सेव सर्वर। सो आई एम गोइंग टू सेव ऑल दिस एप्लीकेशन। अब हम आते हैं अपनी ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस में। ये जो हमने मेथड बनाया है, इस मेथड की डेफिनेशन मैं दूंगा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने ऑन एट सर्वर बनाया था, इसके बाद अब इस मेथड की मैं डेफिनेशन दे देता हूँ जो अभी हमने बनाया था। तो मेरा मेथड मैंने बनाया, वो बनाया ऑन सेव, ये मैं सर्विस यूज करने वाला हूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डॉट सर्वर सर्विस, और जो मेथड मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ वो हम करेंगे स्टोर सर्वर वाला, ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से अब ये जो स्टोर सर्वर है ये मैं इस वाले वेरिएबल में करा दूंगा ऐड। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करता हूँ इस सर्वर्स, जो मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा दिस डॉट सर्वर, सॉरी दिस डॉट सर्वर। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपने सब्सक्राइब का भी, तो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ दिस सब्सक्राइब। अभी सब्सक्राइब में लेट से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रिस्पॉन्स के नाम से, और ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, मेरे कंसोल डॉट लॉग में मेरे को एक रिस्पॉन्स दिखा देगा। और लेट से इस मेथड के दौरान अगर लेट से कोई हमको एरर वगैरह आता है, तो वो एरर के लिए भी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ एरर, कि लेट से हम अपनी सर्विस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इस टाइप का अगर कुछ भी एरर आता है तो ये भी मैं अपने कंसोल डॉट लॉग में शो कर दूंगा एरर। तो इस तरीके से है इसकी, ये ऐड करना पड़ेगा हमको अभी एचटीटी में जाके, तो वो मैं अभी एक बार ऐड कर देता हूँ। चेक रिस्पॉन्स, सॉरी कर रखा है मैंने रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम एक बार आते हैं अपने सर्वर डॉट सर्विस डॉट टी एस में जाके, ठीक है। और ये जो मेरे को डेटाबेस दिखाना है, एक्चुअली ये डेटाबेस मेरे को दिखाना है ना फॉर्मेट ऑफ अ जेसन, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार चेंजेस करूँगा सर्वर डॉट सर्विस में जाके, ठीक है। और इधर मैं एक स्पेसिफाई कर देता हूँ फाइल डेटा डॉट जेसन के नाम। अभी आपके कंसोल डॉट लॉग में फाइल बन जाएगी डेटा डॉट जेसन के नाम से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से अब इसको एक बार सेव करते हैं। बट ये तो फायरबेस का है। हाँ, ये आपके फायरबेस का है, मैं बताता हूँ। वहाँ पे आपकी एक फाइल बन जाएगी डेटा डॉट जेसन के नाम से। एक सेकेंड मैं वो भी चेक कर लेता हूँ, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में मैंने कर लिया। हाँ ठीक है, सर्वर सर्विस मैंने कर दिया। सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हुई है, देख लेते हैं कहीं पे डिक्लेरेशन रह गई होगी हमारी। हाँ नहीं, वो डेटा डॉट जेसन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इधर ये इंजेक्टेबल ही था, और इधर मैंने यहाँ पर अब कर देता हूँ अपना डेटा डॉट
जी सर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैंने एट द रेट इंजेक्टेबल नहीं लगाया था, इसको एक बार हम कर लेते हैं सेव ऑल, एक बार टेस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। और इसके बाद है हमारा सेंडिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो लेट्स से अभी एक बार कंपाइल हो गया, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पर अब मैं कोई एक सर्वर ऐड करना कर मतलब करा के देखता हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर कर दिया टेस्ट सर्वर वन। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा सेव सर्वर पे, तो यहाँ पर आई हैव टू मेक अ यूज़ ऑफ माई इंस्पेक्ट, और कंसोल में एक बार देखते हैं। स्लो नेटवर्क इज डिटेक्टेड, आ गया यहाँ पर, आ गया कंसोल में, नहीं आ रहा आपके। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आपका ऐड हो गया टेस्ट सर्वर के नाम से। और अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊँ आपके फायरबेस में, तो यहाँ पर मेरी डेटा ये जेसन के नाम से फाइल सेव हो गई। तो मैंने एक बार तीन चार बार मतलब बटन प्रेस कर दिए, तो ये रहा मेरा अभी एक आईडी है, टेस्ट सर्वर है, और एक मेरा अभी लाइव सर्वर है, ठीक है। इधर मेरा ये 0101 करके अभी बन जाएंगे। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू, वी आर गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ दिस गेट रिक्वेस्ट। तो अभी मैं एक गेट का भी बनाता हूँ और फिर पूरा कंप्लीट डेटाबेस हम एक बार बनाते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर एक बार इसको कर देता हूँ, ठीक है, चलो सेलेक्ट से। अब हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं सेंडिंग अ गेस्ट गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मैं अपनी पहले सर्विस का ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आप एक बार पहले इंपोर्ट करा लो रिस्पॉन्स को भी, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, और उस फंक्शन का लेट्स से मैंने नेम दे दिया गेट सर्वर। अब इस गेट सर्वर में पोस्ट की जगह जो मैं यूज करूंगा वो मैं करूंगा आपका गेट रिक्वेस्ट। तो इसी लाइन को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर लेट्स से इसको पेस्ट कर रहा हूँ गेट सर्वर में। अब यहाँ पर आप ये बस डेटा डॉट जेसन तक ही एक बार इसको कॉपी करना, ये सब एक बार हटा दो। एंड हेयर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस गेट। सॉरी, मैंने एक बार ऊपर लिख दिया गेट। अब लेट्स से ये जो डेटा हम गेट कराएंगे ना, ये भी हम जेसन के फॉर्मेट में ही कराएंगे। सो यहां पर मैं एक बार यूज कर रहा हूं अपने डॉट मैप का, ओके, कि जो मैं मैपिंग कराऊंगा वो मैं कराऊंगा अपनी जेसन में। और यहाँ पर इस मैप में आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल रिस्पॉन्स विच इज ऑफ गोइंग टू बी ऑफ माई टाइप, जो मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा ये एक बार आप ध्यान से देखना। इस तरह मैं यूज करता हूँ कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरीके से मैंने एक बार ये सिंटेक्स पास किया है रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो मैं वैल्यू है, एक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्टेंट टाइप का, ताकि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो पाए। और उस वेरिएबल का नाम लेट से मैंने दे दिया डेटा, और जो रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा वो मिलेगा हमारे जेसन के फॉर्मेट में। तो इधर मैं यूज़ करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन के फॉर्मेट में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं मैप का एक बार पैकेज इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो इधर हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट एक शॉर्टकट की भी होती है RxJS, ठीक है। और जो मैं ऐड करा रहा हूँ ऑपरेटर वो करा रहा हूँ मैप। ठीक है, और यहीं पर आप एक बार करा लो इस डेटा को रिटर्न डेटा। अब
अब ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल में मैं एक बटन बना लेता हूँ गेट सर्वर के नाम से. सो विद इन दिस ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल हेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बटन गेट सर्वर के लिए जिसके अंदर ये वाला मैथड मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा. हाँ वैसे भी कर सकते हैं. सो लेट्स से इधर हम यूज़ कर लेते हैं btn, इधर हम यूज़ कर लेते हैं हमारा btn प्राइमरी. अब इस बटन के क्लिक पे जो हम कोड एग्जीक्यूट कराएंगे वो हम कराएंगे आपका ऑन गेट, जो भी मतलब आपने वहाँ पर अपने मेथड का नाम दिया है. तो मैंने जो नेम दिया है वो दिया है ऑन गेट. ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. ठीक है, गेट सर्वर के नाम से लिए. ठीक है, और इधर लेट्स से बटन पे मैं एक नेम दे रहा हूँ गेट सर्वर. ठीक है, एक बार आप यहाँ पर आना. ठीक है, इधर यार सेमी कॉलन भी जरूर दे देना ऐप के बाद रिटर्न डेटा. अब ये जो फंक्शनैलिटी है ये हम कॉल कराएंगे अपने ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस वाली फाइल में. सो इधर ये जो मैंने अभी मेथड बनाया ऑन गेट इसको मैं करा रहा हूँ एग्जीक्यूट. अब यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ दिस डॉट सर्वर सर्विस. आपने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाई रखा अपनी सर्विस का, अगर जैसे मैं यहाँ पे करूँगा डॉट इधर आ जाएगा मेरे पास गेट सर्वर जो अभी हमने फंक्शन बनाया था. इधर मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने सब्सक्राइब का ताकि कुछ भी चेंज हो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए. अब इधर यही दो मैं कॉपी कर रहा हूँ, यही वाला रिस्पांस और यही वाला एक बार लॉग. ये वहीं से मैंने ऊपर से एक बार कॉपी किया स्टोर सर्वर में से ही. ठीक है, अब लेट्स से इस एप्लीकेशन को एक बार मैं कर रहा हूँ सेव ऑल और एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ. सो लेट्स से जब मैं एक बार गेट सर्वर पे क्लिक करूँगा और अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो हमारे पास ये रिस्पांस एक बार आ जाएगा. और ये जो रिस्पांस हमको मिल रहा है ये रिस्पांस हमको मिल रहा है हमारे फायरबेस के यूआरएल से. तो एक बार मैं क्लिक करता हूँ गेट सर्वर पे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक रिस्पांस आ गया जितने भी हमारे वहाँ पर बने होंगे, एक टेस्ट सर्वर आ गया और एक लाइव सर्वर आ गया. ठीक है, अब करते हैं आगे इस एप्लीकेशन को. अपडेट से करना क्या है, यहाँ पर हमको यूज़ करना होगा अपनी ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस वाली फाइल का. ठीक है, और इधर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी डेटा प्रिंट करा के दिखा लेते हैं. ठीक है, तो वही मैं अभी यहाँ पर बस करने वाला हूँ. ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर अच्छा हाँ इधर आप एक बार ये जो पुट की जगह ये पोस्ट की जगह अब हम एक बार पुट कर लेते हैं क्योंकि पोस्ट आपकी हर बार नहीं करता रहेगा, पुट आपकी वैल्यू को अपडेट कर देगा. तो मैं अभी आपको एक बार डिफरेंस पे दिखाता हूँ इस पुट और पोस्ट में. तो एक बार मैं सेव ऑल करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँ सेव सर्वर पे, तो मैंने दो बार क्लिक किया है सेव सर्वर पे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये दो बार मेरी एप्लीकेशन बन रही है. सो इंस्टेड ऑफ दैट हेयर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ दिस पुट रिक्वेस्ट. तो यहाँ पर मैं बस एक बार पुट कर देता हूँ, सेव ऑल करता हूँ. अब हमारा एक ही में रहेगा. तो लेट्स से इधर मैं एक बार इसको करता हूँ सेव सर्वर पे क्लिक. ठीक है, अब मैं जाता हूँ एक बार यहाँ पर. तो अब हमारा ये एक ही आ जाएगा. अभी हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, एक है आईडी 369 वाले के लाइव सर्वर करके. तो हाँ, तो डेटाबेस में जब मैं कराऊंगा आपको वैम्प में तो मैं इसी तरीके से पुट के थ्रू ही कराऊंगा. तो लेट्स से अब हम करते हैं ये वैल्यू जो हमने कराई है प्रिंट. तो इधर मैं यूज़ करता हूँ अपने सर्वर डॉट सर्विस डॉट टी एस का और इधर लेट्स से ये जो हमने मैप किया हुआ है
इधर ये क्या हुआ, ठीक है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कॉन्स्टेंट डेटा, ठीक है। अभी इस एप्लीकेशन में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ कि लेट से अगर आप इस गेट पे क्लिक करो तो यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड हो जाए मेरा फैच, कि हमने ये डेटा फैच किया है। और जब हम ऐड करें तो क्या आपके पास डिफरेंस क्लियर हो जाए सेव सर्वर में और गेट सर्वर में। यहाँ पर बस मैं ये चेंज कर रहा हूँ, तो एक बार मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो गेट सर्वर में जहाँ पर हमने ये मैप यूज़ किया था, इस रिस्पॉन्स में हमको थोड़ा सा बस एक बार चेंज करना पड़ेगा। और वो जो चेंज हमको करना पड़ेगा ये रिस्पॉन्स के बाद हमने ले रखा है, ठीक है। इसके बाद लेट से मैं यहाँ पर एक बार यूज़ कर रहा हूँ फॉर का, ओके। और इस फॉर में लेट से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सर्वर के नाम से, कॉन्स्ट सर्वर, ठीक है, ऑफ डेटा। तो ये डेटा मैंने एक वेरिएबल बना रखा है कॉन्स्ट डेटा, ठीक है। और इधर मैं यूज़ करता हूँ सर्वर, ठीक है, डॉट नेम, जो मतलब मेरे सर्वर का नेम है। इसके साथ एक वैल्यू मैं एसोसिएट कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ आपकी फैच्ड करके, ओके। और लेट से अंडरस्कोर, और इधर इसको मैं कंकेटिनेट कराता हूँ फिर सर्वर के नेम के साथ, ठीक है। ये मैंने अभी एक बार इसमें चेंजेस किए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ वर्क करना चाहिए। तो जैसे ही मैं एक बार गेट सर्वर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अभी मैंने को यहाँ पर इसकी वैल्यू भी प्रिंट करके दिखानी पड़ेगी, वो भी हम अभी कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा फैच्ड सर्वर। तो अब हम करते हैं वो वाली इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस वाली फाइल का। और इधर ये जो हम कर रहे हैं ऑन गेट वाले पे, यहाँ पर मैं वो करता हूँ चेंज। तो ऑन गेट पे जहाँ पर मैंने ये यूज़ किया हुआ सब्सक्राइब, इधर मैं रिस्पॉन्स की जगह एक ऐड कर लेता हूँ, इस रिस्पॉन्स की जगह यहाँ पर मैं एक सर्वर ऐड कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपने वेरिएबल सर्वर्स का, ऊपर डिक्लेयर किया मैंने सर्वर्स मैंने, हाँ ठीक है, इस सर्वर्स का मैं यहाँ पर एक बार यूज़ कर रहा हूँ। और इस सर्वर्स में मैं यहाँ पर पास करता हूँ एक बार एनी, कि कोई भी एक बार डेटा टाइप आ जाए इसमें, ठीक है। और इधर मैं दिखा देता हूँ मेरी वैल्यू, सॉरी, दिस डॉट सर्वर, सॉरी सर्वर्स है मेरा, दिस डॉट सर्वर्स, और इधर लेट से हम करा देते हैं इज इक्वल टू सर्वर, ओके। ये एक बार यहाँ ही आएगा, ये कर देता हूँ मैं इधर, सर्वर्स यहाँ मेरा, यहाँ पर वेरिएबल का नेम, ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक बार ये एप्लीकेशन एक बार टेस्ट कर रहा हूँ, फिर आपको बताते हैं। बट ऑन गेट दिस कॉल सर्वर्स सर्वर्स एरर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब आप जैसे एक बार गेट सर्वर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही आ जाना। तो मैं एक और बार यहाँ पर सर्वर ऐड कर देता हूँ, लेट्स से तो सेव सर्वर पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ गेट सर्वर पे, एक सेकेंड, ये चेक करना पड़ेगा अभी हमारा सेफ सर्वर पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है, अब चल रही है एक बार फंक्शनैलिटी। अब मेरा ऐड भी हो रहा है और अब मेरा ये गेट भी हो रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पर जाके चेक कर लेता हूँ जो मैंने अभी सर्वर ऐड कराया था, ठीक है, यहाँ पर ही मेरा सर्वर ऐड हो रहा है। ये प्रॉब्लम